महाभारत के समय की बात है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। कैसे इंडिया के नंबर वन डायरेक्टर बने एसएस राजामौली, क्या है राजामौली की सक्सेस और उनके पिता का रिश्ता, आखिर क्यों राजामौली से नाराज है आलिया भट्ट। वेल, किसी भी फिल्म के हिट होने में सबसे अहम किरदार होता है एक डायरेक्टर का। एक और आज हम बात करने वाले डायरेक्टर की बात करने वाले जिसकी सोच और एग्जीक्यूशन ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के बराबर ही नहीं बल्कि उसके कहीं आगे कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एसएस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली बनाया, आरआरआर जैसे फिल्म, सुपर हिट फिल्म हमें दी है। दरअसल राजामौली के पास वो ब्रह्मास्त्र है जिसका यूज करते ही ये कोई भी मूवी करने का दम रखते हैं, और वो है उनका VFX। यही VFX उनकी फिल्मों में चार चांद लगा देते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं RRR, मक्खी और बाहुबली जैसी फिल्मों का, जिसमें उन्होंने VFX का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है और रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस का बहुत ही अच्छे से तोड़ दिया है। अब सब जानते हैं कि मैजिकल डायरेक्टर SS राजामौली तेलुगु फिल्म डायरेक्टर है और इनका परिवार आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि डायरेक्टर राजामौली की सक्सेस और उनके पिता का डायरेक्ट कनेक्शन है? जी हाँ दोस्तों, आज राजामौली को कुछ भी है तो वो अपने पिता KV विजेंद्र प्रसाद की वजह से है। दरअसल इनके पिता एक दिग्गज राइटर हुआ करते थे जिन्होंने सिर्फ तेलुगु बल्कि हिंदी फिल्म की कहानियां भी लिखी है। आपको बता दें कि सुपरहिट फिल्में जैसे कि बाहुबली, मगधीरा, बजरंगी भाईजान और मणिकर्णिका के राइटर राजामौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद ही है। अपने पिता की लिखी हुई कहानियों का डायरेक्शन करते राजामौली इंडिया के नंबर वन डायरेक्टर बन चुके हैं। ऐसी कहानी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राजामौली जो कुछ भी है उसमें उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ है। अब बात करते हैं कि आज के आखिरी टॉपिक की, आखिर क्यों राजामौली से नाराज है हमारी आलिया भट्ट। ऐसा क्या हो गया कि एक्ट्रेस ने किया डायरेक्टर को अनफॉलो? जी हाँ दोस्तों, ऐसे सुनने में आया कि गंगूबाई आलिया भट्ट हमारे मैजिकल डायरेक्टर SS राजामौली से नाराज है। दरअसल उनकी नाराजगी का कारण है RRR में उनकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम थी। काफी सारे न्यूज पोर्टल्स ने कहा कि आलिया का रोल फिल्म में काफी बड़ा था, लेकिन राजामौली ने एडिटिंग के दौरान उन चीजों को कटवा दिया था, जिसके बाद आलिया उनसे नाराज हो चुकी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया। फिलहाल आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे इस नए फिल्म महाभारत से, और हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को फॉलो करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।